हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2003 में आई द टेक्सास चेनसो मैसेकर। ये 1974 वाली मूवी का रीमेक है और इस मूवी का किलर है लेदर फेस। तो हॉरर लेजेंड सीरीज में माइकल मायर्स के बाद लेदर फेस दूसरा हॉरर लेजेंड है जिसके बारे में हम जानेंगे। अगर आपने माइकल मायर्स की हेलोवीन वाली वीडियोज नहीं देखी है तो आप उन्हें भी जरूर देखें, वो भी मस्ट वॉच है। तो ये मूवी मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है और इस मूवी को 21st सेंचुरी की मोस्ट कमर्शियली सक्सेसफुल हॉरर रीमेक कहा जाता है, क्योंकि ये सिर्फ $9.5 मिलियन में बनी थी और इसने $107 मिलियन का बिजनेस किया था। और जैसे 1974 वाली मूवी को देखकर और भी कई सारी स्लैशर्स बनी थी, वैसे ही इस रीमेक को देखकर बहुत सारे रीमेक्स भी बने। जैसे 2006 में आई द हिल्स हैव आइज, 2007 में आई हैलोवीन, 2009 में आई फ्राइडे द 13th और 2010 में आई अ नाइटमेयर ऑन द एल्म स्ट्रीट। तो इसलिए ये मूवी भी हॉरर मूवीज में बहुत ज्यादा स्पेशल है। और टेक्सास चेनसो मूवीज के साथ हमेशा ये कंट्रोवर्सी जुड़ी रहती है कि ये रियल स्टोरी पर बेस्ड है या नहीं, तो इसके बारे में हम वीडियो के एंड में अच्छे से बात करेंगे और साथ ही मैं इस मूवी से जुड़े ढेर सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी आपको बताऊंगा। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अगस्त 1973 को 5 फ्रेंड एक कॉन्सर्ट पर जा रहे थे। एरिन, उसका बॉयफ्रेंड कैंपर, मॉर्गन, एंडी और पेपर। जब वो टेक्सास से गुजर रहे थे तो अचानक उनके सामने एक लड़की आ जाती है। वो किसी तरह उसे बचाते हुए वैन रोकते हैं। वो उससे पूछते हैं कि क्या वो ठीक है, लेकिन वो बिना कोई जवाब दिए बस चलती जा रही थी। तब एरिन बाहर निकलकर उसके पास जाती है। वो लड़की किसी बुरे आदमी के बारे में बोल रही थी। वो वहां उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए वो उसे अपनी वैन में बैठा लेते हैं। वो ब्लेयर मीट कंपनी के सामने से गुजरते हैं और उसे देखकर वो लड़की कहती है कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। वो जबरदस्ती उनकी वैन रोकने की कोशिश करती है, तब कैंपर वैन रोक लेता है। वो रोते हुए उन्हें कहती है कि वो सब मर गए और वो बहुत बुरा आदमी है। वो कहती है कि तुम सब मरने वाले हो। ये कहते ही वो एक गन निकालती है और अपने मुँह में रखकर गोली चला देती है। ये देखकर वो सब पैनिक करने लगते हैं। वो सब जल्दी से वैन से बाहर निकल जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो एक डेड बॉडी का क्या करें। उनके पास दो रास्ते थे, या तो वो उस लड़की की डेड बॉडी को वहीं फेंक कर अपने रास्ते जा सकते थे, या वो पुलिस को इस सब के बारे में बता सकते थे। बहुत सोचने के बाद वो पुलिस के पास जाना ठीक समझते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये डिसीजन उनके लिए एक नाइटमेयर बनने वाला है। उन्हें एक गैस स्टेशन दिखाई देता है और वो वहां जाते हैं। वो वहां की मालकिन लूडा को सब बता देते हैं। लूडा पुलिस को कॉल करती है। वो कहती है कि उन्हें मिल पर जाकर शेरिफ हॉइट से मिलना होगा, क्योंकि वो कुछ काम से वहाँ गया है। ये सुनकर उन सबको बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उनके पास कोई और चॉइस भी नहीं थी। वो मिल पर जाते हैं, लेकिन शेरिफ वहाँ नहीं था। वो मिल बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। वो सब शेरिफ के आने का इंतज़ार करते हैं, तभी उन्हें वहाँ कोई दिखाई देता है। वो जाकर चेक करते हैं तो वहाँ उन्हें एक छोटा लड़का मिलता है जिसका नाम था जेडाइडा। वो उन्हें बताता है कि शेरिफ यहाँ नहीं आने वाला, वो अपने घर पर है। उस लड़के से शेरिफ के घर के बारे में पूछकर एरिन और कैंपर शेरिफ के पास जाते हैं। वो दोनों घर ढूंढ लेते हैं। वहाँ उन्हें मोंटी नाम का एक आदमी मिलता है जो उन्हें कहता है कि शेरिफ यहाँ नहीं रहता। वो कहता है कि वो शेरिफ को उनके लिए कॉल मिला सकता है, लेकिन वो सिर्फ एरिन को ही अंदर जाने देता है। कैंपर को बाहर ही रुकना पड़ता है। वो एरिन को शेरिफ का नंबर मिलाकर दे देता है और वो उसे सब कुछ बता देती है। शेरिफ कहता है कि वो 30 मिनट में वहाँ पहुँच जाएगा, लेकिन हम देखते हैं कि शेरिफ ऑलरेडी मिल पर पहुँच चुका था। एरिन उस घर से निकलने लगती है, तभी मोंटी उसे मदद करने के लिए बुलाता है। एरिन व्हीलचेयर पर बैठने में उसकी मदद करती है, लेकिन उसकी नीयत कुछ ठीक नहीं थी। बाहर कैंपर को चिंता हो रही थी, इसलिए वो भी घर में घुस जाता है। वो एरिन को ढूंढ रहा था, तभी पीछे से लेदर फेस हथौड़े से उस पर हमला कर देता है। वो कैंपर को घसीट कर एक कमरे में ले जाता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है। एरिन को लगता है कि कैंपर वापस मिल पर चला गया, इसलिए वो भी वापस मिल पर जाने लगती है। इधर वो शेरिफ उस लड़की की डेड बॉडी को रैप करके अपनी कार की डिग्गी में रखवा कर वहाँ से चला जाता है। एरिन मिल पर पहुँच जाती है, लेकिन कैंपर उसे वहाँ भी नहीं मिलता। तब उसकी चिंता बढ़ जाती है। वो सब कैंपर को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें अजीब चीज़ों के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। एक कार में उन्हें उसी लड़की की फ़ोटो मिलती है जो उन्हें रास्ते में मिली थी, साथ ही उसकी पूरी फैमिली की फ़ोटो भी थी। अब सब कुछ और भी ज़्यादा अजीब होता जा रहा था। एंडी और एरिन कैंपर को ढूंढने वापस उसी घर में जाते हैं। मोंटी घर के बाहर ही बैठा था। एरिन जाकर उसका ध्यान बटाती है और इतने में एंडी घर में घुस जाता है। कैंपर को ढूंढते हुए वो एक कमरे में पहुंच जाता है जहां चारों तरफ स्किन लटकी हुई थी। वहां उससे एक बॉक्स गिर जाता है, जिसकी आवाज़ सुनकर एरिन भी भागकर घर में घुस जाती है। एंडी को अंदर देखकर मोंटी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है।
वो कहता है कम ऑन बॉय ब्रिंग इट, और तभी पीछे से लेदर फेस एक चेनसो हाथ में लिए आ जाता है। वो दोनों भागने की कोशिश करते हैं। एरिन तो बचकर भाग जाती है, लेकिन लेदर फेस एंडी का एक पैर काट देता है। वो उसे अपने घर के बेसमेंट में ले जाता है और एक हुक पर लटका देता है। फिर वो उसके कटे हुए पैर पर नमक लगाता है और उसके ऊपर एक पेपर बांध देता है। हम देखते हैं कि उसने कैंपर के चेहरे की खाल उतार ली थी और वो उसे सिलकर एक मास्क बना रहा था। वो अपना मास्क उतारता है और यहाँ हमें उसका रियल फेस दिखाई देता है, जो कि बहुत ज़्यादा भयानक था। मिल पर पहुंचकर एरिन सीधा वैन में बैठकर उसे स्टार्ट करने लगती है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती। तभी शेरिफ वहाँ आ जाता है। उसे देखकर एरिन राहत की सांस लेती है। शेरिफ को उनकी वैन में ड्रग्स मिल जाती है, जिसे देखकर वो गुस्सा हो जाता है। वो उन तीनों को वैन से बाहर निकाल कर ज़मीन पर लिटा देता है। इसके बाद वो उन तीनों को हरास करने लगता है। मॉर्गन को उठाकर वो वैन में ले जाता है। वो उसे कहता है कि जैसे उस लड़की ने सुसाइड किया था, बिल्कुल वैसे वो करके दिखाए। वो मॉर्गन के हाथ में गन दे देता है और उसे गन मुंह में डालने के लिए मजबूर करता है, लेकिन इतना भी काफ़ी नहीं था। वो उसे ट्रिगर दबाने के लिए कहता है। मॉर्गन की बुरी हालत हो चुकी थी, लेकिन मौका देखकर वो उसके ऊपर ही गन तान देता है। वो उसे शूट करता है, लेकिन गन में गोली ही नहीं थी। शेरिफ उनकी वैन की चाबी निकाल कर मॉर्गन को अपने साथ लेकर चला जाता है। वो उसे उसी घर पर लेकर जाता है जहाँ लेदर फेस रहता था। एरिन किसी तरह वैन स्टार्ट करने की कोशिश करती है। वो वैन स्टार्ट कर भी लेती है, लेकिन जैसे ही वो उसे ड्राइव करती है, उसके टायर्स बाहर निकल जाते हैं। अभी वो दोनों सोच में ही थी कि तभी लेदर फेस अपनी चेनसो के साथ वहाँ पहुँच जाता है। उसे देखकर पेपर वैन से निकलकर भागने लगती है और लेदर फेस उसका पीछा करता है। पेपर बचने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन लेदर फेस उसे चेनसो से काट देता है। एरिन वैन में से ये सब देख रही थी। वो देखती है कि लेदर फेस ने कैंपर के चेहरे का मास्क बनाकर पहन रखा था। यह देखकर वो एकदम ब्लैंक हो जाती है। तभी लेदर फेस उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वो जल्दी से वैन से निकलकर भाग जाती है, लेकिन लेदर फेस उसका पीछा नहीं छोड़ता। भागते भागते वो एक ट्रेलर तक पहुंच जाती है। ट्रेलर के अंदर दो लेडीज थी, एक मिडल एज वूमेन और एक यंग वूमेन जिसका नाम हेनरिएटा था। एरिन उन्हें लेदर फेस के बारे में बताती है। हेनरिएटा कहती है कि वो एक अच्छा लड़का है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता, बस उसे बचपन से स्किन डिसीज है। एरिन को शांत करने के लिए वो उसे चाय पिलाती है। एरिन उनसे फ़ोन के लिए पूछती है, लेकिन वो कहती है कि उनके पास फ़ोन नहीं है। एरिन की नज़र वहाँ रखी एक फ़ोटो पर पड़ती है, जो कि उसी लड़की की फैमिली की थी जिसने उनकी वैन में सुसाइड किया था। एरिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ फंस चुकी है। तभी उनका फ़ोन रिंग करता है। एरिन देखती है कि हेनरिएटा किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी और उसके हाथ में एक छोटी बच्ची थी। उस बच्ची को उन्होंने चुरा रखा था, ये हमें उस फैमिली फ़ोटो से पता चलता है। वो बेबी उस फोटो में है। एरिन वहाँ से निकलने लगती है, लेकिन वो एक कदम आगे रखते ही गिरकर बेहोश हो जाती है। हेनरिएटा ने चाय में कुछ मिला रखा था, तो यहाँ बहुत कुछ क्लियर होता है। हमें ये पता चलता है कि ये दोनों लेडीज़ भी लेदर फेस के साथ मिली हुई हैं। उन्होंने उस फैमिली को कैप्चर करके मार दिया और उस बेबी को अपने पास ही रख लिया। वो लड़की किसी तरह बचकर निकल गई थी, लेकिन होपलेस होने की वजह से उसने सुसाइड कर लिया। जब एरिन को होश आता है तो वो खुद को उसी घर में पाती है। वो पूरी फैमिली के बीच घिरी हुई थी। यहाँ हमें पता चलता है कि मॉन्टी और लूडा लेदर फेस के पेरेंट्स हैं और उसका असली नाम थॉमस है। हॉइट उसका बड़ा भाई है और हेनरिएटा हॉइट की वाइफ है और वो लेडी हेनरिएटा की मॉम है। जेडाइडा हॉइट का बेटा है। ये उनकी पूरी फैमिली है। लूडा बताती है कि थॉमस को सभी बचपन से परेशान करते थे, क्योंकि उसे एक स्किन डिसीज थी जिसने उसका चेहरा खराब कर दिया था। इसलिए उन्हें सबसे नफरत है और वो वहाँ अकेले रहकर एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। लेदर फेस एरिन को वहाँ से ले जाता है और बेसमेंट में धकेल देता है। वहाँ दुनिया भर की अजीब चीज़ें भरी पड़ी थी। एरिन को सामने एंडी दिखाई देता है, जो कि अभी भी जिंदा था। वो उसे हुक से नीचे उतारने की कोशिश करती है, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। सिर्फ एंडी का दर्द और बढ़ता है। एंडी एरिन को उसे मारने के लिए कहता है। एरिन किसी भी हालत में इसके लिए तैयार नहीं थी, लेकिन वो उसकी सफरिंग भी नहीं देख पा रही थी। तब वो एक चाकू लेकर आती है और उससे एंडी की सफरिंग ख़त्म कर देती है। आगे उसे एक बार टम में मॉर्गन मिलता है। उसकी कमर में एक होल था, जिससे हमें पता चलता है कि उसे भी मीट हुक पे लटकाया गया होगा। वो अभी भी सदमे में था। एरिन उसे बाथ टब से बाहर निकाल लेती है। तभी जेडाइडा वहाँ आ जाता है, जो कि उन्हें बचाना चाहता था। वो दोनों वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन लेदर फेस उन्हें ऊपर से देख रहा था। वो चेनसो लेकर वहाँ पहुँच जाता है। जेडाइडा उन्हें बाहर निकाल रहा था और लेदर फेस बिल्कुल उनके पीछे था। मॉर्गन तो बाहर निकल जाता है, लेकिन लेदर फेस एरिन का पैर पकड़ लेता है। तब जेडाइडा उसकी हेल्प करता है और वो किसी तरह बाहर निकल जाती है।
वो मॉर्गन को लेकर एक पुराने कैबिन तक पहुंच जाती है और उनका पीछा करते हुए लेदर फेस भी वहां पहुंच जाता है। एरिन मॉर्गन को एक अलमारी में छुपा देती है और खुद भी छुप जाती है। लेदर फेस उन्हें ढूंढ रहा था, तभी कई सारे चूहे एरिन के ऊपर चढ़ने लगते हैं। वो किसी तरह अपना मुंह बंद रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो चूहे ही बहुत ज्यादा आवाज कर रहे थे। लेदर फेस वहां से चला जाता है और एरिन सोचती है कि वो बच गई, लेकिन तभी लेदर फेस उसे पीछे से पकड़ लेता है। वो उसे चेनसो से काटने ही वाला था कि तभी मॉर्गन आकर उसे बचाने की कोशिश करता है। लेदर फेस मॉर्गन को वहां लटका देता है और चेनसो से उसे बीच में से काटने लगता है। ये देखकर एरिन डर के मारे वहां से भाग जाती है और लेदर फेस उसका पीछा करता है। भागते भागते उनके सामने एक फेंस आ जाता है। एरिन तो उसमें से निकल जाती है, लेकिन लेदर फेस का पैर अटक जाता है और वो चेनसो के पैर पर ही चल जाती है, जिससे वो घायल हो जाता है। एरिन रोड तक पहुंचती है और एक कार को रोक लेती है, लेकिन वो ड्राइवर बिना कोई मदद किए वहां से निकल जाता है। एरिन फिर से भागने लगती है और भागते हुए ब्लेयर मीट कंपनी तक पहुंच जाती है। वो भागकर उसके अंदर घुस जाती है, लेकिन लेदर फेस भी बिल्कुल उसके पीछे ही था। वो उससे बचने के लिए बीफ के अंदर छुप जाती है, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता। लेदर फेस चेनसो से उसे काट देता है। एरिन वहां से एक क्लीवर उठाकर एक लॉकर में छुप जाती है। जैसे ही लेदर फेस उसके पास आता है, वो क्लीवर से उसके ऊपर कई बार हमला करके उसका हाथ काट देती है। लेदर फेस वहीं गिर जाता है। एरिन जल्दी से वहां से बाहर निकलती है और रोड तक पहुंचकर एक ट्रक को रोक लेती है। ट्रक ड्राइवर उसकी हालत देखकर उसे जल्दी से ट्रक में बैठा लेता है। वो उसे मदद दिलाने ले जा रहा था, लेकिन एरिन देखती है कि वो उसी गैस स्टेशन पर जा रहा था। वो उसे कहती है कि वो गलत रास्ते पर जा रहा है, लेकिन वो नहीं रुकता। एरिन के साथ एग्जैक्टली वो ही हो रहा था जो मूवी के स्टार्ट में उस लड़की के साथ हुआ था, लेकिन एरिन के अंदर अभी बहुत हिम्मत बाकी थी। वो जबरदस्ती उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो गैस स्टेशन तक पहुंच जाता है। एरिन भी उसके पीछे पीछे ट्रक से उतर जाती है। वो एक खिड़की से अंदर देखती है और उसे वो बेबी भी वहां दिख जाती है। वो ट्रक ड्राइवर उनसे मदद मांगता है और वो सब बेबी को वहीं छोड़कर उसके पास चले जाते हैं। वापस आकर हेनरिएटा देखती है कि बेबी वहां नहीं थी, एरिन उसे लेकर जा चुकी थी। हॉइट जाकर ट्रक चेक करता है, लेकिन एरिन उसके अंदर नहीं थी क्योंकि वो उसी की कार में थी। वो कार से उसे उड़ा देती है और वहां से भागने के बजाय वो कार को रिवर्स करके उसे फिर से कुचलती है और एक आखिरी बार वो पूरी स्पीड से कार उसके ऊपर चढ़ाकर उसे मार देती है। और इस सीन पर पूरा थिएटर तालियों से भर गया था। एरिन ने उस बेबी को भी बचा लिया था। वो खुश होते हुए जा रही थी, तभी अचानक लेदर फेस आकर उनके ऊपर चेनसो से हमला करता है, लेकिन वो बचकर निकल जाती है। लेदर फेस गुस्से में उसे जाते हुए देखता है। एरिन अपनी और उस बच्ची की जान बचाने में कामयाब रहती है और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। तो बिल्कुल ओरिजिनल मूवी की तरह इसमें भी एक लड़की लेदर फेस से बचकर निकल जाती है। तो इसके बाद 2006 में एक और मूवी आई थी जो कि इसका प्रीक्वल है। उसमें लेदर फेस की बैक स्टोरी दिखाई गई है। जैसा कि आपने देखा, इस मूवी में हमें बताया गया है कि उसे एक स्किन डिसीज थी जिसकी वजह से उसका चेहरा खराब हो गया, और खराब चेहरा तो आपने देख ही लिया, लेकिन उसमें और अच्छे से हमें बताया जाएगा कि लेदर फेस ऐसा क्यों बना, क्योंकि उस मूवी का टाइटल ही द बिगनिंग है, मतलब के शुरुआत। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये दोनों मूवीज इस पूरी फ्रेंचाइज की सबसे बेस्ट मूवीज हैं। तो उस पार्ट को देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करके बताना है कि आप उस पार्ट को देखने के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करना है, क्योंकि सपोर्ट के अलावा मैं कुछ और नहीं मांगता। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लो, हमें जल्दी से जल्दी 50K तक पहुंचना है। तो इस मूवी को $9.5 मिलियन के बजट में बनाया गया था और रिलीज के दिन इसने 10.6 मिलियन कमा लिए थे और ये इस पूरी फ्रेंचाइज की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है। तो अब बात करते हैं कि इस मूवी की स्टोरी रियल है या नहीं। तो बेसिकली इस मूवी का पूरा प्लॉट फिक्शनल है, ये कोई रियल स्टोरी नहीं है, लेकिन लेदर फेस का कैरेक्टर इंस्पायर्ड है अमेरिकन सीरियल किलर एड गीन से। वो अमेरिका का सबसे खतरनाक किलर तो नहीं था, लेकिन स्ट्रेंजेस्ट किलर जरूर था। उसे बुचर ऑफ प्लेनफील्ड या प्लेनफील्ड घूल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वो प्लेनफील्ड नाम के टाउन में रहता था और सारे क्राइम्स को उसने वहीं अंजाम दिया था। पुलिस को उसके घर से लाशें मिली थी जो उसने वहां के कब्रिस्तान से निकाली हुई थी, और उसके घर बहुत सारे मास्क थे जो उसने असली इंसानी चेहरों से बना रखे थे। ये जो मास्क आप देख रहे हो, ये उसी का बनाया मास्क है। साथ ही उसके घर में हड्डियों और स्किन का फर्नीचर था। उसने औरतों की खाल उतारकर बॉडी सूट बना रखे थे जिन्हें वो पहनकर औरत बनता था। इससे इंस्पायर होकर साइको मूवी भी बनी थी और 1974 वाली टेक्सास चेनसो मूवी में हड्डियों और स्किन का फर्नीचर भी दिखाया गया है। गीन ने अपने मुंह से दो औरतों का मर्डर कबूल किया था। उसे गिल्टी पाया गया और 1968 में उसे सजा हुई। 26 जुलाई 1984 को 77 साल की उम्र में वो मर गया। तो इस आदमी के ऊपर लेदर फेस का कैरेक्टर बेस्ड है। अब बात करते हैं इस मूवी से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में।
एरिका लियर्सन अपने स्क्रीन टेस्ट में इतनी जोर से चिल्लाई थी कि उस बिल्डिंग के दूसरे पार्स के लोगों ने पुलिस को रिपोर्ट कर दी थी कि एक औरत पर हमला हो रहा है। जिस सीन में शेरिफ मॉर्गन के मुंह में गन रखवाता है, उसे शूट करते वक्त मॉर्गन बार बार वॉमिट कर रहा था। जितनी बार वो गन मुंह में डालता था उतनी बार ही वॉमिट करता था। लॉरेन जर्मन ने एरिन के रोल के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन उसे फिल्म में बहुत ही छोटा रोल मिला। ओरिजिनल स्क्रिप्ट में जब जेडाइडा मॉर्गन और एरिन की भागने में मदद करता है, तो उसके बदले लेदर फेस चेनसो को उसकी कमर में घुसा कर उसे बीच में से काट देता है। ये सीन बाद में स्क्रैप कर दिया गया क्योंकि फिल्म मेकर्स के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा इंटेंस था। यही इकलौती मूवी है जिसमें लेदर फेस का रियल चेहरा दिखाया गया है। पेपर ही इकलौती विक्टिम है जिसने ना तो लेदर फेस का घर देखा और ना ही वो उसमें गई। ये मूवी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा यूक्रेन में बैन है। ओरिजिनल स्क्रिप्ट में सुसाइड करने वाली लड़की 15-16 साल की थी, लेकिन बाद में उसे बाकी सभी कास्ट की उम्र का कर दिया गया। जिस एक्टर ने ओरिजिनल मूवी में लेदर फेस का रोल किया था, उन्हें इस मूवी में ट्रक ड्राइवर के रोल के लिए अप्रोच किया गया था, जो फिल्म के एंड में एरिन की मदद करता है। मूवी के ओरिजिनल प्लॉट के हिसाब से एरिन प्रेग्नेंट थी, इसलिए उसने रास्ते में कोई नशा नहीं किया, ना ही उसने उस गैस स्टेशन का पानी पिया। एरिन का लास्ट नेम हार्डेस्टी था, जो कि ओरिजिनल मूवी की मेन कैरेक्टर सैली का भी था। मूवी में एरिन के बॉयफ्रेंड का नाम कैंपर है। एडमंड कैंपर एक अमेरिकन सीरियल किलर था, जिसने 1964 से 1973 के बीच में 10 लोगों का मर्डर किया था, जिसमें उसके दादा दादी और माँ भी शामिल हैं। इस मूवी में से बहुत सारे भयानक सीन्स को काट दिया गया, जिसमें एक मॉर्गन की डेथ वाला सीन था, जिसमें लेदर फेस उसे लटका कर बीच में से काट देता है। वो सीन भी साफ साफ दिखाया गया था। लड़की के सुसाइड वाला सीन भी और ज़्यादा भयानक था, बाद में उसमें चेंजेस किए गए। साथ ही कैंपर की डेथ भी हमें नहीं दिखाई गई और ना ही पेपर को मारते हुए दिखाया गया। इन दोनों की डेथ्स को भी ऑफ स्क्रीन रखा गया, तो बेसिकली ऑन स्क्रीन लेदर फेस ने किसी को भी नहीं मारा। मूवी के टाइटल के बावजूद भी इसमें दो ही लोगों की मौत चेंजों से हुई है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, इस मूवी में कहीं भी ना तो दिखाया गया और ना ही बताया गया कि लेदर फेस की फैमिली कैनिबल थी। तो ये थे इस मूवी से जुड़े ढेर सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अगर आपको ये वीडियो और मेरी मेहनत पसंद आई है तो इसे लाइक और एक कमेंट जरूर करना, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लो, और साथ ही वो बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना ताकि सारी अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिलती रहें। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।